नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जलालाबाद के व्यापारियों ने दबंगों पर लगाए गंभीर आरोप। व्यापारियों का आरोप, दबंग मारपीट कर करते हैं अवैध वसूली। व्यापारियों ने SDM को दी शिकायत। लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद परिषदीय विद्यालयों के समय में किया गया परिवर्तन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने किया आदेश जारी। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खोले जाएंगे स्कूल। आज शाहजहांपुर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ MLC चुनाव। सपा प्रत्याशी और भाजपा के सुधीर गुप्ता के भाग्य का फैसला मतपेटियों में हुआ कैद। शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 72 घंटे में 140 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन हुई बरामद। और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने MLC चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, भाजपा MLC चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी, विपक्षी पार्टियां सिर्फ अलूल जुलूल बातों में मशगूल। विधान परिषद चुनाव में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मतदान स्थल पर पहुंचकर सबसे पहला वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में BJP सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं ने उलझुल स्लोगन देकर जनता में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जनता ने योगी और मोदी पर अपना विश्वास जताया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है और उत्तर प्रदेश के इस बजट में सबसे ज़्यादा गरीबों की झोली भरने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। लगातार बढ़ रही गर्मी के बाद अब परिषदीय विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब विद्यालय सुबह 7:30 से 1:30 तक खोले जाएंगे। शाहजहांपुर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने कल ही विद्यालयों के समय में परिवर्तन करने की मांग की थी। इस खबर को मिशन ने भी प्रमुखता से प्रसारित किया था। फिलहाल अब विद्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। विधान परिषद चुनाव को लेकर शाहजहांपुर पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। पुलिस द्वारा चलाए गए 3 दिवसीय अभियान के दौरान पुलिस ने 72 घंटे में 142 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2300 लीटर से ज़्यादा अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से बरामद हुई हजारों लीटर लहन को नष्ट करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। आज शाहजहांपुर में MLC चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव को संपन्न कराने को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह खुद मतदान केंद्रों पर पहुंचे और जानकारी ली। मतदान में लगे कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तिलहर विधायक सुलोना कुशवाहा आज सिंधौली पहुंची। विधायक ने मतदान स्थल के बाहर मौजूद भाजपा समर्थकों से मुलाकात की और मतदान के प्रति जानकारी ली। इस दौरान सुलोना कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुप्ता की जीत 100% पक्की है। थाना क्षेत्र जलालाबाद के याकूबपुर चौराहे के व्यापारियों ने दबंगों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी बरखा सिंह को शिकायत देते हुए बताया कि दबंगों द्वारा मारपीट करते हुए जबरन अवैध वसूली की जाती है। व्यापारियों का ये भी आरोप है कि निजी बसों के टिकट को भी महंगे दामों पर सवारियों को बेचा जाता है और जमकर गुंडागर्दी की जाती है। फिलहाल SDM ने व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आदर्श मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन संगठन के जिला सचिव गुलजार सिंह के आवास पर किया गया।
बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने की। मुख्य अतिथि संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों के निजी विद्यालयों की दुर्दशा हुई है, जिसके कारण निजी स्कूलों के प्रबंधकों शिक्षकों का बहुत शोषण हुआ है। सरकार को प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों प्राध्यापकों एवं शिक्षकों के लिए आर्थिक सहायता आवश्यक करनी चाहिए। शाहजहांपुर पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 28 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 528 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने की 14 भट्टी बरामद हुई हैं। साथ ही मौके से बरामद हुई हजारों लीटर लहन को पुलिस ने नष्ट करा दिया। जलालाबाद से विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने भी आज MLC पद के चुनाव के लिए मतदान किया। हरिप्रकाश वर्मा के साथ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मनेंद्र बाबू गुप्ता, सभासद प्रेम प्रकाश वाल्मीकि और BDC सदस्य तारा बेगम और फूलन देवी सहित कई लोग मतदान करने पहुंचे। हरिप्रकाश वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। कुटार में भी आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। यहाँ मतदान करीब 2 बजे ही 100% हो चुका था। यहाँ हुए मतदान में ग्राम प्रधान और BDC सदस्यों सहित सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। मतदान स्थल पर नगर पंचायत अध्यक्ष अनुपम शुक्ला और ब्लॉक प्रमुख नमित दीक्षित सहित बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक मतदान स्थल के बाहर मौजूद रहे। इस दौरान मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुआया विधायक चेतराम आज पुआया में मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे। विधायक ने मतदान स्थल के बाहर मौजूद भाजपा समर्थकों से मुलाकात की और मतदान के प्रति जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता की जीत 100% होगी। आज MLC चुनाव में तिलहर मतदान बूथ के सभी 169 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार, कोतवाल प्रभारी उमेश सिंह सोलंकी और सेक्टर मजिस्ट्रेट वरुण सिंह की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। जलालाबाद पुलिस ने स्टोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नकदी और सट्टा पर्ची बरामद हुई है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इलाके में छापेमारी कर मनोज, रफी और याकूब को गिरफ्तार किया है। वहीं मौका पाकर अफसर नाम का सट्टेबाज फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए सट्टेबाजों के पास से लगभग 9000 रुपये की नकदी और 3 मोबाइल फोन व सट्टा पर्ची बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी सटोरियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है और फरार अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। सिंधौली में भी आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। यहां मतदान सुबह निर्धारित समय के साथ शुरू हुआ और मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतदान स्थल के मुख्य गेट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। शाहजहांपुर सांसद अरुण कुमार सागर और ददरौल विधायक मानवेंद्र सिंह ने भी MLC चुनाव में मतदान किया। सांसद अरुण कुमार सागर ने कहा कि BJP के प्रत्याशी की जीत तय है। सांसद अरुण कुमार सागर ने कहा कि शाहजहांपुर पीलीभीत MLC के प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुप्ता की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। तिलहर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा में लगे जवान मतदान करने पहुंचने वाले सभी मतदाताओं से पूछताछ कर रहे थे और अंदर जाने दे रहे थे। मतदान के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को पुलिस क्षेत्राधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कड़ी हिदायत दी। थाना सेरमऊ दक्षिणी पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कच्ची शराब बरामद हुई है। दरअसल पुलिस ने इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कच्ची शराब बना रहे 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास 120 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। खुदागंज में भी MLC चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कटरा खुदागंज विकास खंड में BTC मेंबर और प्रधानों सहित कुल 134 मतदाता थे
और खुदागंज नगर में 11 सभासदों सहित 145 मतदाताओं ने वोट किया। थाना तिलहर और रामचंद्र मिशन पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ईशान और फैजान नाम के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से दो तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज के सभागार में महापंडित राहुल संकृत यायान की 129वीं जयंती पर पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भारतीय समाज एवं राहुल संकृत यायान का जीवन दर्शन विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कॉलेज के इतिहास प्रवक्ता सोसाइटी अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि राहुल संकृतायन सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर तिब्बत और श्रीलंका सहित दुनिया के अनेक देशों का भ्रमण किया। वोल्गा से गंगा पुस्तक लिखकर भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर करते हुए उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया। शाहजहांपुर के रहने वाले युवा रजत मिश्रा को हिंदू स्वयंसेवक संघ भारत के किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार ने मनोनयन पत्र सौंपते हुए कहा कि रजत मिश्रा हमेशा आमजन की समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहते हैं और रजत के समाज के प्रति समर्पण और सेवाभाव को देखते हुए खास जिम्मेदारी दी गई है। मीरानपुर कटरा क्षेत्र के भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने मीरानपुर कटरा नगर पंचायत में बने बूथ में पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान के बाद भाजपा विधायक ने स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा भी मतदान स्थल के बाहर मौजूद रहे।